अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां शिवसेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना की बैठक रीवा में आयोजित की गई। बैठक में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के दो गुट बनाए गए, जिसमें अब महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी दो गुट काम कर रहे हैं, जिसमें एक उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र व वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे का गुट काम कर रहा है। वहीं रीवा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के दो जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें से रीवा और सीधी शामिल हैं। आपको बता दें, रीवा में जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह और सीधी जिला अध्यक्ष के रूप में दिलीप सिंह चौहान की नियुक्ति की गई है। शिवसेना के पूर्व संगठन प्रमुख सुजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 तारीख को जबलपुर में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की सभा होने वाली है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में पार्टी के विस्तार को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हमारा संगठन मिलजुल कर एक साथ काम करेगा और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलकर जनता के बीच जाकर काम करेगा। बैठक में रीवा सीधी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए आपको दिखाते हैं बैठक की कुछ झलकियां और सुनाते हैं शिवसेना पूर्व संगठन प्रमुख का क्या कहना है। शिवसेना का पूर्व संगठन प्रमुख और अभी प्रदेश में महामंत्री के पद ये सबसे बड़ी खुशी और गौरव की बात है कि हमारे बीच में दिलीप जी और दिलीप सिंह चौहान जी, तो आप लोगों को कल रात में ही नियुक्ति पत्र आया है, वहाँ से प्रदेश से आया हुआ है। तो दोनों लोगों को आपको हाँ नागिन सिंह जी आप अपनी बाइक में लाने बता दीजिएगा, मैं आम तो इनका नागिन को जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, तो रीवा का जिला अध्यक्ष दिया गया है। शिवसेना परिवार की ओर से बधाई, आप सबकी ओर से भी बधाई, आप सबका तहे दिल से आभार। और आपके साथ हमारे बीच में दिलीप सिंह चौहान जी हैं, आपको सीधी का प्रभारी किया गया है, सीधी के जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब शिवसेना हाँ बताइए, आज ये मीटिंग रखी गई है, क्या मीटिंग थी और क्या निर्णय हुआ है? आज की हमारी जो मीटिंग है उसका मुख्य उद्देश्य था हमारे जो दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, ऊपर से हमारे पास आदेश आए प्रदेश से और उसके बाद ये नियुक्ति हमें करनी थी आज, तो हमने आज रीवा में आप नागेंद्र सिंह जी की एज ए जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है और साथ ही साथ आप दिलीप सिंह चौहान जी की सीधी जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करती है। अभी आप मुंबई भी गए थे और मुख्यमंत्री जी से मिले हैं? हाँ बिल्कुल। हम शिंदे गुट है कि उद्धव गुट है? देखिए हम लोग का जो कार्यभार है ये माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी के दिशा निर्देश पे हो रहा है और हम लोग उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं पे उन्हीं का कार्यभार कर रहे हैं और साथ ही साथ मेन हमारा कार्य है शिवसेना का, तो हमें शिवसेना का करना है और हमारी जो बाला साहब ठाकरे जी हैं हमारे, उन्हीं के हमारी रूपरेखा पे हमें चलना है और उन्हीं के कार्यभार को आगे बढ़ाना है। रीवा में किनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है सीधी में? रीवा में श्री नागेंद्र सिंह जी को बनाया गया है और सीधी में दिलीप सिंह चौहान जी को बनाया गया है। जबलपुर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होने वाला है? हाँ जबलपुर में 20 तारीख का प्रस्तावित है और अभी तक तो प्रस्तावित है, आगे क्या रूपरेखा होती है ऊपर से जो आदेश निर्देश आते हैं उसके अनुसार फिर जानकारी होगी। और एक सवाल आपसे ये है कि अभी आपका संगठन किस हाँ, तरह काम करेगा? हमारा संगठन अभी जिस तरह से जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं, खास तौर पर आपके गौ सेवा से ले के जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी देख रेख और भी जितने हमारे शिवसेना परिवार जो अभी तक कार्य करता आया है उसी तरह से कार्य करना है और जितने भी मानव समाज की जो सेवा होती है, एक सामाजिक सेवा होती है, उसी में आगे बढ़ना है। नाम डॉक्टर सुजय सिंह और शिवसेना संगठन प्रमुख, पूर्व संगठन प्रमुख।